हेलो एवरीवन, आज माइनक्राफ्ट के इस वीडियो में हम लोगों ने रूबिक्स क्यूब के डिज़ाइन का एक घर बनाना है जो कि बहुत ही इजी। आप लोगों ने बस वीडियो को स्किप नहीं करना। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। सामने की साइड पे हम लोगों ने यहाँ पर 13 ग्लास लगा देने, क्योंकि यहाँ पर जितने भी हमारा आउटसाइड जो बाहर का स्ट्रक्चर होगा वो हम लोग ग्लास से बनाएंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले 13 हम लोग लगा देते, उसके बाद सेकेंड साइड पर सेम इस तरह हम लोगों ने 13 और थर्ड साइड पर भी हम लोगों ने सेम इस तरह लगा देने और फोर्थ साइड पे, यानी फोर्थ साइड हमारे 13 13 ग्लास लगने चाहिए। और उसके बाद ऊपर की साइड पे हम लोगों ने 12 ग्लास लगाने, एक ग्लास ऑलरेडी लग चुका है, 12 हम लोगों ने और लगाने, यानी टोटल यहाँ पर ऊपर की साइड पे भी 13 ग्लास हमारे लगने। तो थर्ड साइड पर हम लोग लगा रहे हैं, उसके बाद लास्ट हम लोगों ने फोर्थ साइड पर लगाने 12 ग्लास ऊपर की साइड पर। ये लगाने के बाद अभी हम लोगों ने फोर साइड्स को एक दूसरे के साथ जोड़ देना है। जैसे एक साइड हम लोगों ने जोड़ दिया, सेम इस तरह हम लोगों ने सेकंड साइड जोड़ दिया, और उसके बाद थर्ड साइड भी हम लोगों ने जोड़ देनी है, और लास्ट हम लोगों ने फोर साइड जो हमारे पास है इसको भी जोड़ देना है दूसरे के साथ। ये जोड़ने के बाद अभी सामने की साइड पर आप लोगों ने 3 यहाँ पर ग्लास जोड़ के फोर्थ वन जो ग्लास है वहाँ से हम लोग स्टार्ट लेंगे, और हम लोगों ने सीधा एक लाइन ग्लास की लगा देनी है। सेम इस तरह हम लोगों ने 3 ग्लास छोड़ के उसके बाद फोर्थ ग्लास पे हम लोगों ने एक लाइन लगा देनी है। इस तरह हम लोगों ने नीचे की साइड पे सेम इस तरह लगानी है। यहाँ पर हम लोग 3 ग्लास छोड़ के फोर्थ ग्लास पे हम लोगों ने एक लाइन लगा देनी है, और उसके बाद फिर से हम लोग सेम इस तरह प्रोसेस करेंगे। यहाँ पर हम लोगों ने 3 ग्लास छोड़ के फोर्थ ग्लास पे यहाँ पर लगा देनी है। उसके बाद सेकंड साइड पर जाते हैं, और सेकंड साइड पर हम लोगों ने 3 ग्लास छोड़ के फोर्थ ग्लास पे यहाँ पर ग्लास की एक लाइन लगानी है। सेम इस तरह हम लोग दूसरी साइड पर भी कर लेंगे। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर थर्ड साइड आती है, और यहाँ पर भी सेम इस तरह हम लोगों ने रिपीट करना है। तो रिपीट करना है दूसरी बार भी सेम इस तरह हम लोगों ने कर लेना है। उसके बाद लास्ट हमारे पास फोर्थ साइड है, और यहाँ पर भी हम लोगों ने 2 लाइंस ग्लास की लगानी ऊपर तक। तो ये लगाना बहुत ईजी है, बस आप लोगों ने थोड़ा सा यहाँ पर दिमाग यूज़ करना है। तो उसके बाद हमारे पास जो होने वाला है उसके बाद हम लोगों ने दूसरी साइड पर स्टार्ट यहाँ पर लेना है। जैसे मैं लगा रहा हूँ इसे भी आप लोगों ने 3 ग्लास छोड़ के फोर्थ ग्लास से स्टार्ट लेना है। तो ये हम लोग फोर साइड्स पे लगाएंगे, फोर साइड्स पे सेम इस तरह हम लोगों ने यहाँ पर लगा देने ग्लास। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर फोर्थ साइड है हमारी लास्ट, यहाँ पर लगा देंगे हम लोग ऐसे ग्लास, और उसके बाद ऊपर की साइड पे सेम इस तरह हम लोगों ने 3 ग्लास छोड़ के फोर्थ वन ग्लास से स्टार्ट लेना है। जैसे हम लोगों ने पहले एक लाइन लगाई थी फोर्थ साइड पर, सेम इस तरह हम लोगों ने ऊपर की साइड पर भी यहाँ पर लगा देनी है एक लाइन ग्लास की, हम लोगों ने फोर्थ साइड्स पर लगा देनी है। तो ये हमारे पास, तो आप लोग देख सकते हो थर्ड लाइन, उसके बाद ये लास्ट हमारे पास फोर्थ लाइन है, जिससे हमारे यहाँ पर नीचे की साइड पे कंप्लीट हो चुका है। अभी ऊपर की साइड पे जाते हैं, और यहाँ पर हमारे पास 2 लाइंस रहती हैं, जैसे हम लोग नीचे की साइड पे लगाई थी सेम इस तरह ऊपर की साइड पे भी हम लोगों ने यहाँ पर 2 लाइन्स लगा देनी है। यानी यहाँ पर दरमियान में हम लोगों ने 3 × 3 की जगह हम लोगों ने छोड़नी है। अभी ये स्ट्रक्चर बन चुका है, अभी इसके बाद हम लोग इसके अंदर कलर करेंगे। उसके लिए सबसे पहले हम लोगों ने येलो कंक्रीट का यूज़ करना है ऊपर की साइड पर। ऊपर जितने भी हमने यहाँ पर बॉक्स बनाए यहाँ पर हम लोगों ने येलो कंक्रीट का यूज़ करना है। जैसे सेकंड टाइम, अभी ये थर्ड टाइम हमारा कंप्लीट हो चुका है, फोर्थ टाइम और फिफ्थ टाइम, जैसे ये ऊपर 9 साइड है, जैसे क्यूब के 9 साइड होते हैं ना रूबिक्स क्यूब के, सेम इस तरह हम लोगों ने भी 9 साइड यहाँ पर लगा देनी है येलो। येलो लगाने के बाद अभी फ्रंट साइड पर हम लोगों ने ब्लू कंक्रीट का यूज़ करना है। ब्लू कंक्रीट भी सेम इस तरह हम लोगों ने 9 हानों में लगाने, 9 9 लगाने हम लोगों ने, लेकिन 9 साइड्स पे, जैसे हम रूबिक्स क्यूब हमारे पास होता है ना सेम उस तरह हम लोग लगा देंगे। जैसे हम लोगों ने यहाँ पर 6 लगा चुके हैं, उसके बाद 7 8, और ये लास्ट हमारे पास 9 हो चुका है। उसके बाद हम लोग ऑरेंज यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं, ऑरेंज भी सेम इस तरह हम लोगों ने लगाने हैं लास्ट तक। ये वीडियो को थोड़ा मैं फास्ट कर रहा हूँ ताकि हमारा टाइम बच सके, तो इसलिए हम लोग फास्ट फास्ट इसको देखते हैं। यहाँ पर ऑरेंज हमारा लग चुका है, उसके बाद ग्रीन की बारी है, ग्रीन भी हमारा फास्ट फास्ट लगने वाला है। यहाँ पर 3 पे लग चुका है, उसके बाद फोर्थ पे, फिफ्थ पे, और उसके बाद 6 कलर हो चुके हैं, उसके बाद 7 और 8, और लास्ट हमारे पास यहाँ पर रह गया। उसके बाद रेड जो हमारे पास लास्ट कलर इसमें होने वाला है, इसको भी हम लोग लास्ट तक कंप्लीट करेंगे 9 साइड्स पे। तो यहाँ पर 6 साइड हमारे पास हो चुके हैं, उसके बाद 7 और ये 8, और ये लास्ट हमारे पास 9वां साइड कम्प्लीट हो चुका है कलर्स के। ये कंप्लीट होने के बाद सामने की साइड पे हम लोगों ने कुछ ब्लॉक और एक ग्लास तोड़ना है, जिस पे हम लोग एक स्टेयर लगा देंगे। यहाँ पर डोर लगाते हैं, लेकिन डोर नहीं लगेगी, डोर से पहले हम लोगों ने अंदर की साइड पे कोई कंक्रीट लगाना है। तो ब्लैक यहाँ पर ब्लॉक ऑफ क्वार्ट्ज हम लोग लगा लेते हैं नीचे की साइड पर। तो यहाँ पर हम लोगों ने व्हाइट ब्लॉक ऑफ क्वार्ट्ज हम लोग लास्ट तक लगाते हैं। यहाँ पर हम लोग व्हाइट कंक्रीट भी आप लोग लगा सकते हो, लेकिन ये थोड़ा सा कूल लग रहा था इसलिए मैंने यहाँ पर ब्लॉक ऑफ क्वार्ट्ज का यूज़ किया हुआ।
तो ये लगाने के बाद अभी यहाँ पर एक डोर हमारा लग चुका है। डोर लगने के बाद अभी अंदर की साइड पे हम लोगों ने यहाँ पर टू फ्लोर बनाने हैं। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट फ्लोर यहाँ पर बनाते हैं। फर्स्ट फ्लोर बनाने के लिए यहाँ पर सबसे पहले थ्री ग्लास यहाँ पर थ्री ब्लॉक ऑफ कॉर्ड लगाते हैं। उसके बाद जो है ना, जैसे मैं लगा रहा हूँ जिस साइड से, आप लोगों ने सेम इस तरह लगा देने। ये लगाने के बाद अभी इस पूरी जगह को हम लोगों ने कवर करना है, जिससे हम लोगों का फर्स्ट फ्लोर हमारे पास बन जाए। तो फास्ट फास्ट थोड़ी वीडियो में चला रहा हूँ, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। आप लोगों ने सेम इस तरह करना है। जो दरमियान में थोड़ी सी जगह मैंने छोड़ी, यहाँ पर हम लोगों ने स्टेयर्स बनानी है। तो अभी हम लोग सेकंड फ्लोर भी बना लेते हैं। तो सेकंड फ्लोर भी सेम उस तरह हम लोगों ने यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, जैसे हम लोगों ने इसके अपोजिट बनाया, जैसे पहले हम लोगों ने दूसरी साइड पर बनाया था, अभी इसके अपोजिट हम लोगों ने सेकंड फ्लोर बनाना है। तो सेकंड फ्लोर भी सेम इस तरह हम लोगों ने जितनी भी यहाँ पर जगह, उस पूरी जगह को हम लोगों ने कवर कर लिया ब्लॉक ऑफ क्वार्ट के साथ। आप लोग यहाँ पर व्हाइट कंक्रीट या कोई और ब्लॉक भी यूज कर सकते हो अपनी मर्जी का। तो यहाँ पर इस जगह को कवर करने के बाद अभी हम लोगों ने यहाँ पर टॉर्च कुछ लगाते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा अंधेरा है, जिससे हमें आराम से चीजें हमें दिख सके। तो इसलिए हम लोगों ने कुछ टॉर्च लगानी है यहाँ पर, वहाँ पर साइड पे भी एक लगा देते हैं। ये लगाने के बाद अभी हम लोग यहाँ पर स्टेयर लगाते हैं। तो स्टेयर कैसे लगानी है, बहुत ही ईजी है। सबसे पहले ऊपर की साइड पे हम लोग थ्री स्टेयर लगा देंगे। थ्री लगाने के बाद यहाँ पर स्लेब, आप लोग कोई भी स्लेब यूज कर सकते हो यहाँ पर। और यहाँ पर आप लोगों ने फोर साइड फोर बार लगा देनी फोर साइड पे यहाँ पर। तो ये लगाने के बाद अभी यहाँ पर एक जगह हमारे पास रहती है, यहाँ पर भी कुछ ब्लॉक लगा लेते हैं, क्योंकि हम बोल गए थे। उसके बाद नीचे की साइड पे हम लोगों ने क्वार्ट स्लेब लगानी है। आप लोग कोई भी स्लेब यहाँ पर लगा सकते हो, तो मैं क्वार्ट स्लेब का ही यूज कर रहा हूँ। यहाँ पर स्लेब लगाने के बाद ये हमारे पास बन चुका है। तो आपको मैं अंदर जाके दिखा देता हूँ, ये हमारे पास घर बन चुका है। यहाँ पर इंटीरियर कुछ भी मैंने बेड वगैरह नहीं रखे, वो इसलिए क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अगर आप लोग चाहते हो इसका पार्ट टू, यहाँ पर मैं इंटीरियर कुछ भी लगाऊँ बेड वगैरह, तो उसके लिए आप लोग कमेंट कर देना। बाकी आप लोगों के पास बहुत ज़्यादा जगह है, यहाँ पर ग्राउंड फ्लोर में आप लोग बेड वगैरह चेस्ट सब कुछ लगा सकते हो। उसके बाद फर्स्ट फ्लोर पर जाते हैं, और यहाँ पर भी आप लोगों के पास बहुत ज़्यादा जगह होने वाली है। यहाँ पर भी आप लोग इजीली यहाँ पर बेड वगैरह लगा सकते हो। उसके बाद हम लोग जाते हैं यहाँ पर हमारे सेकंड फ्लोर के ऊपर। तो यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हो हमारे पास कितनी बड़ी जगह होने वाली है। तो आप लोग अगर इसका पार्ट टू आप लोगों को चाहिए, तो आप लोग कमेंट में बता देना, नहीं तो आप लोग खुद भी इसमें बेड वगैरह रख सकते हो। तो अभी अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।